बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि उनकी कोहनी और घुटना बहुत ज़्यादा काला है एंड अलग से पूरी बॉडी में दिखता है। तो आज की वीडियो में आपको सिंपल सी कुछ रेमेडीज बताऊंगी जो आप आराम से अपनी कोहनी और घुटने में लगा सकते हो और वहां से वो कालापन को हटा सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अब करते हैं इस वीडियो का स्टार्ट। सारी रेमेडी मैं एकदम सिंपल सी बता रही हूँ जिसके लिए कोई भी झंझट की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज आप यूज कर सकते हो आलू यानी कि पोटैटो। आलू का बस छिलका निकाल लो एंड एक स्लाइस आलू कर लो एंड उसको अपने घुटने और कोहनी में 5 मिनट के लिए रगड़ो। आलू में इतनी पावर है ना कि वो आपके डार्क स्पॉट्स डार्क स्किन को ब्राइटन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड अगर मैं चाहती ना तो आपको आलू का जूस भी बोल सकती थी, लेकिन बहुत सारे लोग बिजी रहते हैं एंड हफ्ते में 2-3 बार फिर से आलू का जूस निकालो फिर से उसको लगाओ, थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है वो, लेकिन ये एकदम सिंपल सा है, उसको काटो एंड लगाओ। नेक्स्ट चीज जो सारी स्किन प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है एंड सबके घर में आराम से मिल जाता है वो है नेचुरल एलोवेरा जेल। अगर आपको कुछ झंझट नहीं करना है ना तो बस आप ये नेचुरल एलोवेरा जेल 15 दिन तक लगाओ एंड 15 दिन लगाने के बाद अपने घुटने और कोहनी में आप खुद ही डिफरेंस देखोगे क्या काम किया इसने। नेक्स्ट रेमेडी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तभी करना संडे वनडे को। बस आप लो थोड़ा सा बेसन एंड उसमें डालो थोड़ा सा दही एंड 2 से 3 ड्रॉप्स नींबू का रस। उस पेस्ट को है ना अपने कोहनी और घुटने में लगा के है ना 10 मिनट के लिए छोड़ दो। इसमें बेसन और दही तो है ही, लेकिन इसमें सबसे मेन चीज है नींबू का रस जो बहुत जल्दी आपके घुटने और कोहनी को ठीक करने में हेल्प करेगा। तीनों रेमेडी बेस्ट है, कोई सा भी ट्राई करो जो आपको पसंद है। एंड वीडियो को लाइक करके जाना प्लीज एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, उस घंटी को भी दबाना ताकि और जो वीडियो आ रही है उसका अपडेट आपको आ जाए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा तो मुझे वहां पे भी जल्दी से जाके फॉलो करो। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।